गौरे बाहर आ जाओ, मैं लकी आया हूँ, बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ गौरी, सच में मैं लकी आया हूँ। देखो तुम इस तरह शोर मचाकर मेरी बेइज्जती मत करो, चुपचाप चले जाओ, हम सुबह बात करेंगे। अरे यार, यार मेरी लाइफ डूबी जा रही है और तुम इज्जत की बात कर रही हो। अब क्या है? एक झूठ बोलकर मैंने अपना गड्ढा खोद खोद लिया है। मैं लकी हूँ ये प्रूफ करने के लिए कोई सबूत साथ नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो सिक्योरिटी वाले को देखो, अपने आप को सत्य हरिश्चंद्र का पोता समझता है, और वो साधु, उसे वो कौन है उसे खुद नहीं पता, और वो मुझे कैसे पहचानेगा? वो आंखों का रंग चेंज करने वाला डॉक्टर बता सकता था, लेकिन वो जाके चंद्र लोक में बैठ गया है। और तुम्हारी दी हुई प्लेट में दिखाना चाहता था, तो वो प्लेट प्लेट जैसी दिखती नहीं है, तो मैं क्या करूं? गौरी तुम मेरी जान हो, गौरी मेरा यकीन करो। देखो मुझे किसी बात का सबूत नहीं चाहिए, मुझे जुजू पर पूरा यकीन है, उसके सामने मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। अगर तुम लकी होते तो जुजू चुप क्यों रहता? वो तुम्हें देखते ही रिएक्ट करता, भगाता तुम्हें और तुम्हें काटता। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया होता तो मैं मान लेती कि तुम लकी हो। बचपन में किसी ने कहा था कि कुत्ते से मेरी जान को बहुत खतरा है। मैं सोचता था मुझे कुत्ता काटेगा तो रेबीज जैसी बीमारी होगी और मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस तरह का खतरा। उस दिन तुमने मुझे लकी नहीं हूं ऐसे पहचाना, तो मैं खुद को खिलाड़ी और तुम्हें बेवकूफ समझता था। बेवकूफ तुम नहीं हो, मैं ही बेवकूफ हूँ। अगर मैं ही लकी हूँ ये तुमने पहचान लिया, तो गौरी मुझसे शादी कर लेगी, इसलिए तुमने जानबूझ के नहीं पहचाना ना? खिलाड़ी है तू, खिलाड़ी है किसी लव स्टोरी में या तो कोई बाप या कोई रिश्तेदार या भाई विलन बनता है, उसके साथ झगड़ा करके पैर पकड़ के मार खा के उस लड़की को वो पा भी सकता है। लेकिन मेरी तकदीर देख बॉस, मेरी लव स्टोरी में तू ही विलन है, मैं तेरे सामने क्या कर सकता हूं? तुझे एक बात पता है, हम लड़के अगर किसी लड़की से एक बार प्यार कर लेते ना तो बात खत्म, वही सब कुछ होती है। उसकी जगह अगर बाद में ऐश्वर्या राय भी आएगी ना, पसंद नहीं आएगी, वही हमारा माइनस पॉइंट है। गौरी के लिए फिक्स हो चुका मेरा ये दिल, गौरी चाहिए ऐसे बच्चे की तरह जिद कर बैठा है, तो बता मैं क्या करूं? गौरी ही मेरी दुनिया है, गौरी के लिए तू उसकी दुनिया है, वो तेरा यकीन करेगी। तू बस एक बार गौरी के सामने मैं ही लकी हूं ये पहचान ले, मुझे देखकर भौंक, पीछा कर, चाहिए तो काट ले, तभी तो गौरी मानेगी कि मैं ही लकी हूं। प्लीज जॉब? व्हाई? विकी ने रिजाइन कर दिया, पता है तुझे? कहाँ चला गया विकी? कहाँ गया वो? हाँ?
लकी? ऐसे क्यों देख रही हो जानो? ओ, जो नहीं मिलने वाली चीज मिल जाए तो कुछ अजीब सी खुशी होती है। उस खुशी के मारे तुम बोल नहीं पा रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत चाहती हो। तुम मुझे कितना मिस करती हो ये तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है। कितने दिनों तक अपने प्यार को दिल में छुपा कर मेरे साथ तुम खेलना चाहती हो? दिल खोल कर एक बार बोल दो ना कि मुझसे प्यार करती हो। कमॉन, तुम्हारे अंदर के प्यार को बस एक बार ओपन कर दो। ये लकी कितना लकी है ये आज प्रूव कर दो। कमॉन बेबे। I'm sorry, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। What? तुम बादल की तरह हो। हवा जिस तरफ जाएगी तुम उसी डायरेक्शन में चले जाओगे। मैं तुम जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ? तुम मेरे दिल में थे ये सच है, लेकिन अभी नहीं हो। तुम्हें सिर्फ 2400 घंटे मुझे परेशान करके प्यार करना ही आता है, पर उसे बचाना कैसे है ये नहीं पता। प्यार करने वाले इंसान को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और इस मामले में विकी बिल्कुल सही है। उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। विकी? हाँ, मेरा कलीग विकी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ लकी। तुम कितने खुश होना जुजू। मैं सोचती थी सिर्फ इंसान ही स्वार्थी होते हैं, लेकिन तुम भी स्वार्थी निकले। वो क्यों लकी बनकर आया था, वो क्यों विकी बनकर आया था, ये मुझे नहीं पता। वो जिस दिन विकी बनकर आया था उसी दिन से मुझे पता था कि वो मेरा लकी है। कितने भी रूप बदल कर आएगा फिर भी प्यार करने वाला दिल तो नहीं बदल सकता है ना। लकी मेरी जिंदगी में आएगा तो मैं तुमसे कम प्यार करूंगी ऐसा सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं होगा। तुमने सिर्फ लकी का मेरे लिए प्यार देखा है जुजू, पर मैं उससे कितना प्यार करती हूँ ये तुम नहीं जानते। आओ देखो, देखो, देखो ये सब। देखो, मैं इतना प्यार करती हूँ उससे। ये देखो, ये उसने मुझे फर्स्ट टाइम दिया था। और ये देखो, ये उसका दिया हुआ फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड। We made for each other। मुझे इसकी स्माइल पसंद है, स्टाइल पसंद है, हरकतें पसंद है, आंखें पसंद है, डांस करना पसंद है। सच कहूँ तो मुझे लकी बहुत 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 पसंद है। वो हर दिन मेरा पीछा कर करके मुझे रोज, ग्रीटिंग कार्ड, चॉकलेट, वो सब देता था, और मैं उसके सामने उसे फेंक देती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मैं उसे लाकर यहाँ रख देती। पर सिर्फ तुम उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। मेरी जिंदगी के मुश्किल दौर में तुमने मेरा साथ दिया। जब कोई नहीं था तब तुम मेरे साथ थे। अगर तुम्हारी जगह मम्मी पापा होते और वो लकी को एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं उनकी बात कभी नहीं सुनती। पर मेरी जिंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है। मुझे प्यार करने के अलावा लकी को और कुछ नहीं आता जुजू। तुम्हारे अलावा मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला लकी है। मैं तुम्हें भी चाहती हूँ और उस लकी को भी। मैं क्या करूँ? लकी के बिना मैं जी नहीं सकती जुजू।
अबे कमीने, जब भौंकने बोला था तब नहीं भौंका, अब भौंक रहा है। तेरी तो रुक, तेरी तो मेरा बात करने का मूड नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी, तुम्हें सुनाई नहीं देता। जुजू प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा ना मैं लकी के बिना नहीं जी सकती, लकी मेरी जिंदगी।